हेलो, मैं हूं सरिता। अगर आपके पास 2 स्ट्रो और 2 मिनट हैं तो स्पिनर बड़े आराम से बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाकर देखते हैं। इसके लिए हमें 2 बेंडेबल स्ट्रो चाहिए, यानी जो आराम से ऐसे घूम सके। अब हम इस स्ट्रो के बड़े वाले सिरे पे कैंची की सहायता से कट लगा देंगे ताकि ये ओवरलैप हो जाए और इस स्ट्रो के छोटे वाले मुंह में आसानी से फिट हो जाए। तो ये हमारा स्पिनर बन के तैयार है। तो चलिए अब इसको चलाकर देखते हैं। तो जब मैं इधर से फूंक मार रही हूँ और इसका ये जो ऊपर वाला सिरा है, इसका मुंह अभी मेरी तरफ है, तो ये किधर जाएगा? तो फूंक मार के देखते हैं, तो ये नीचे की तरफ झुक जाता है। इसको साइड से भी देख सकते हैं कि अभी इसका मुंह मेरी तरफ है और मैंने फूंक मारी तो ये नीचे की तरफ झुक जा रहा है। और अगर इसका मुंह घुमा के मैं आपकी तरफ कर दूं, कैमरे की तरफ मैंने अभी इसका मुंह कर दिया और अब मैं फूंक मारती हूँ तो ये इधर चोंच की तरह यहाँ आके लगता है। मैं इधर साइड से भी इसको करके देख सकते हैं। अब अगर मैंने इसका मुंह इस दिशा में कर दिया, अब मैं फूंक मार कर देखती हूँ क्या होगा, तो ये गोल गोल घूमने लगा। और अगर मैं इसका मुंह घुमा के इधर कर दूं तो भी ये गोल गोल घूम रहा है, लेकिन पहले वाले से उलट दिशा में घूम रहा है। अब ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जब हम फूंक मारते हैं तो हवा दूसरे सिरे से बाहर निकलती है और वो हवा उस स्ट्रो पे उलट दिशा में एक फोर्स लगाती है। ऐसा ही हर केस में यहाँ पे हो रहा है। तो जब इसका मुंह इधर है, तो जब मैं इधर से फूंक मार रही हूँ तो उधर की तरफ फोर्स लगा और ये नीचे की तरफ झुक गया। और जब इसका मुंह आपकी तरफ है, इधर कैमरे की तरफ, और तब मैंने फूंक मारी तो ये इधर से हवा बाहर निकली, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा तो ये इधर टक्कर खा रहा है। और जब इसका मुंह मैंने इधर कर दिया और अब हवा इस डायरेक्शन से बाहर निकल रही है और ये गोल गोल घूमने लगा। और इसका मुंह अगर पलट के इधर कर दूं तो हवा इधर से बाहर निकलेगी, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और ये ऐसे गोल गोल घूमने लगा। इस केस में ये पूरा इसलिए इतना घूम पाता है क्योंकि ये देखो, इसको घूमने के लिए पूरी जगह यहाँ पे मिली हुई है। और जब इसका मुंह इधर है तो ये इतना ही घूम पाता है क्योंकि यहाँ के रुक गया, जगह ही नहीं अभी। और इसका मुंह अगर इधर कर देंगे और मैंने यहाँ से हाथ से फ्रीली पकड़ा हुआ है तो ये क्या करता है, पूरा घूम जाता है, पूरा 360 घूम जाता है। ये छोटा सा खिलौना न्यूटन के तीसरे सिद्धांत पे काम करता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। रॉकेट्स भी इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। जब रॉकेट उड़ता है तो नीचे की तरफ काफी सारी हवा छोड़ता है, वो हवा उस रॉकेट पे ऊपर की तरफ एक धक्का लगाती है और रॉकेट हवा में उड़ जाता है। इसको आप स्केटबोर्ड पे खड़े होके भी देख सकते हैं। स्केटबोर्ड पे खड़े होके अगर आपने बॉल फेंकी तो जिस दिशा में आपने बॉल फेंकी उसके उलट दिशा में स्केटबोर्ड जाता है। ये वैसा ही है जैसे ठेले पे खड़े होके हम ठेले से कूद जाते हैं तो ठेला जिस दिशा में आप कूदे उससे उलट दिशा में ठेला जाता है। तीनों ही केसेस में जो फोर्स स्ट्रो पे लग रहा है वो इसके सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा, इसकी वजह से टॉर्क जनरेट करता है वो फोर्स और वो टॉर्क इस स्ट्रो को घुमा देता है। कई बार हम इस एक्शन रिएक्शन को एक दूसरे एक्शन रिएक्शन से कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे कि आपके गाल पे किसी ने जम के थप्पड़ मारा तो आप भी रिएक्शन में, अगर आप गांधी जी नहीं है तो उतने ही जोर से उसके गाल पे थप्पड़ मारते हैं। लेकिन न्यूटन का जो तीसरा सिद्धांत का एक्शन रिएक्शन है वो इससे अलग है। जब आपके गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो उसका हाथ जो आपके गाल पे फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स आपका गाल भी उसके हाथ पे लगाता है और वही हिसाब बराबर हो जाता है, तो आपको दोबारा थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है। शायद गांधी जी भी यही सोचते होंगे, इसलिए उल्टा थप्पड़ वो नहीं मारते थे। अगली बार आप जब भी बाजार जाए इस स्ट्रो स्पिनर को घुमाते हुए निकले तब आपको ब्रांडेड कपड़े पहनने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेंगे। थैंक यू। If you feel happy, you should smile.